ड्यूपोंट कंपनी की अगर मैं बात करूं तो लगभग हर किसान साथी ड्यूपोंट द्वारा बनाया हुआ जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है वो यूज़ करते हैं। कई ऐसे किसान साथी है जो कि प्रोडक्ट का नाम जानते हैं, जैसे कि कोराजन वगैरह जानते हैं, FMC लगा लो, ड्यूपोंट या डव, जो ये तीनों कंपनी है ये बिल्कुल सेम कंपनी है। क्योंकि कुछ एक ऐसे किसान साथी होते हैं जिन्हें प्रोडक्ट का नाम याद रहता है, ना कि कंपनी का नाम याद रहता है। किसान साथियों, ड्यूपोंट कंपनी अच्छी क्वालिटी देती है किसानों को, ये बात बिल्कुल सभी को पता है। लेकिन इसी कंपनी की वजह से 70,000 लोगों को कैंसर हुई थी, साथ ही बेजवान जो जानवर थे वो भी मारे गए थे। जो पूरी की पूरी डिटेल है वो आपको मैं दूंगा, क्योंकि ये एक सच्ची घटना है। अगर आपको पूरा का पूरा जो डाटा देखना है तो आप यूट्यूब के ऊपर जा करके डार्क वाटर जो मूवी है वो देख सकते हो। अगर उस मूवी को मैं शॉर्ट फॉर्म के अंदर आपको बताऊं तो करीबन ये 7 या 8 मिनट की वीडियो बनेगी, आप एक बार इसे पूरा ज़रूर सुन लेना। उसके बाद में अगर कभी आपको टाइम मिले तो आप जाकर के वो जो डार्क वाटर मूवी है उसे देख सकते हो। किसान साथियों, ये बात है 1998 की। एक ड्यूपोंट जो कंपनी है एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट बनाती है, उसने अपनी डंपिंग यार्ड के लिए थोड़ी सी जो जगह है वो ली। डंपिंग यार्ड का मतलब कि जो अपना जब हम दवाई बनाते हैं तो उसका जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है उसे रखने के लिए, या फिर जिसे कि आप कूड़ा करके डालने के लिए जो जगह होती है उसे डंपिंग यार्ड बोलते हैं। उन्होंने जो डंपिंग यार्ड है वो करीबन 2 या 3 एकड़ का लिया हुआ था। उस डंपिंग यार्ड से थोड़ी दूरी पर एक किसान था जिसके पास अपना डेयरी फार्म था। करीबन 150 से लेकर 200 गायें उसके फार्म के अंदर रहती थी। जब धीरे धीरे वो डंपिंग यार्ड जो है, जो कूड़ा करकट है, वो उसकी जो संख्या है वो बढ़ने लगी, उस डंपिंग यार्ड उस कूड़े वाले स्थान के पास में एक छोटे सा नाला था पानी का, तो वो जो नाला है उस डंपिंग यार्ड की वजह से प्रदूषित हो गया। यानी कि वो जो केमिकल बचा होता था रॉ मटेरियल, उसकी वजह से जो पानी है वो भी दूषित हो गया। उस पानी को जो उस किसान की गायें हैं वो पीने लगी। धीरे धीरे क्या हुआ कि उसकी जो सारी की सारी जो गायें हैं वो मर चुकी थी। जब उस फार्मर ने कंपनी के ऊपर केस किया तो जो कंपनी का लॉयर होता है, तो कंपनी का इतनी जो बड़ी कंपनी होती है, इनके जो लॉयर होते हैं वो आपको पता ही है कि एक छोटे से गरीब का किसान का साथ नहीं देते, बल्कि जो कंपनी है उसका साथ देते हैं। क्योंकि कितना जाने कितने अमाउंट के अंदर जो पैसा है उस लॉयर को जो वो कंपनी है वो देती है। बाकी आप सभी को पता है कि ड्यूपोंट कंपनी का जो टर्नओवर है, जो बिजनेस है, वो कितना, आप अगर अपने मंडियों के अंदर भी जाके देखो, अगर छोटी सी मंडी है तो वहाँ पर भी इसका जो 1-2 करोड़ रुपए का जो टर्नओवर है, जो पैसा है आपको, वो हर साल एक छोटी सी मंडी से कमाती है। तो आप देख सकते हो कि देश भर में कितनी जो ड्यूपोंट कंपनी का जो मटेरियल है वो बिकता है। किसान साथियों, लेकिन कहते हैं ना कि किसी बंदे के अंदर जो दीन या फिर दया है वो होती है। तो उस जो वकील है उसको एक बार उस किसान के जो फार्म है उसमें विजिट करने का मौका मिला, तो उसने देखा कि काफ़ी ज़्यादा जो गायें हैं वो मरी हुई है। तो उसकी जो भावना है वो किसान के प्रति ज़्यादा सेंसिल होगी कि क्यों ना यार, ये जो किसान है अगर ये बात सच में बोल रहा है तो इसके ऊपर क्यों ना हम जाँच की जाए। तो वो जो बंदा है वो जाँच करने लग जाता है। तभी जा कर के उसे पता चलता है कि जब, जैसे कि वो अपने एग्रोकेमिकल वाले जितने भी वैज्ञानिक होते हैं उनको मिलता है, तो वो जो वैज्ञानिक है वो उसे बताते हैं कि ये जो आप वेस्ट मटेरियल है इसके अंदर, उस बंदे ने खोजा कि C8 नाम से एक केमिकल पाया जाता है। C8 का मतलब कि कार्बन एटम, 8 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ अगर कोई प्रोडक्ट होता है तो उसे बोलते हैं PFOA, यानी कि पर फ्लोरो ऑक्टेन एटम बोलते हैं उसको, या फिर PFOS होता है जिसको पर फ्लोरो ऑक्टेन सल्फोनेट, ये एक केमिकल बनता है। अगर सिंपल सी भाषा में हम बात करें तो जिस तरह से आप टेफ्लॉन आपने सुना होगा, काफ़ी ज़्यादा जो ऐड आती है टेफ्लॉन की, टेफ्लॉन से बने हुए प्रोडक्ट हम घरों के अंदर यूज़ करते हैं। जैसे कि आपको अगर बता दूं, कुकिंग पैन, जैसे वो आता नहीं कुकिंग पैन आप फोटो के अंदर देख भी रहे हो, जिसे आप तवा वगैरह कुछ भी बोल देते हो आम भाषा के अंदर, वो जो होता है वो टेफ्लॉन से बना होता है। और टेफ्लॉन से काफ़ी ज़्यादा, जैसे कि कई पेंट आते हैं, कलर होते हैं, वो भी टेफ्लॉन से बने होते हैं, क्योंकि एक वाटरप्रूफ होता है और ना गलने वाले सड़ने वाली चीज़ होती है टेफ्लॉन। और टेफ्लॉन एक इतना गंदा केमिकल से बनता है कि आप सोच ही नहीं सकते। 1998 के अंदर इस केमिकल ने, इस टेफ्लॉन ने अमेरिका के 70,000 लोगों को कैंसर का मरीज बना दिया। साथ ही उस बेजुबान जो किसान है उसकी जितने भी पशु थे उनको इसी टेफ्लॉन ने मार दिया। टेफ्लॉन का मतलब समझिए कि आपको बोल दिया जाए कि टायर जो है, टायर रबड़ जो है, आप उसे खा लो, तो खाने के बाद क्या होगा इसका रिज़ल्ट आप सभी को पता ही है। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि टेफ्लॉन से बनी हुई चीज़ें यूज़ करते हैं। जैसे मैंने सबसे पहले बता दिया, कुकिंग पैन, कुकर वगैरह, काफ़ी चीज़ें इनकी आती है, बर्तन वगैरह भी आते हैं। तो आज से हाथ जोड़ के विनती है कि आप इस टेफ्लॉन को अपने घरों से बाहर निकालिए, क्योंकि एक ना एक दिन ये जो टेफ्लॉन है
आपके अंदर भी कैंसर का कारण बनने वाला है। अगर आपको पूरी डिटेल के अंदर इस वीडियो में आपको जाना है तो आप कृपया करके वो जो डार्क वाटर मूवी है एक बार उसे देख लीजिए, क्योंकि डार्क वाटर जो पूरी की पूरी मूवी है वो ड्यूपोंट कंपनी के ऊपर उन्होंने बनाई हुई है कि किस तरह से जो ड्यूपोंट कंपनी है उसने मासूम लोगों के ऊपर अत्याचार किया था। बाद के अंदर जो ड्यूपोंट कंपनी है वो मान लेती है कि हमारा जो फेंका हुआ वेस्ट मटेरियल था जिसके अंदर टेफ्लोन है वो वैसे तो बैन है, मतलब कि हर एक कंपनी से बना नहीं सकती, इसके ऊपर प्रॉपर बैन है क्योंकि ये इंसान के लिए, जानवर के लिए, हर बंदे के लिए हानिकारक है। लेकिन देखिए टेफ्लोन काफ़ी सस्ता आता है और उससे बना हुआ जो प्रोडक्ट है वो काफ़ी महंगा बिकता है, इसलिए कोई भी कंपनी क्यों ना चाहेगी कि सस्ती चीज़ बना के जो चीज़ उसे सस्ती मिले और बाद में वो महंगी बिके, तो हर एक कंपनी बना देती है। इसीलिए लगातार ड्यूपोंट ने जो डिपार्टमेंट है उनको पैसा देते गए और जो ये टेफ्लोन है उसका जो बढ़ चढ़ कर जो प्रयोग है, जो निर्यात है वो करने लगे किसान साथियों। बाद में जाकर के 2005 के अंदर जब इसकी पूरी की पूरी कार्रवाई हुई तो करीबन 70 बिलियन डॉलर जो जुर्माना है वो ड्यूपोंट कंपनी ने कहा कि हमें जुर्माना मानते हैं कि हमने जो ये टेफ्लोन है वो बनाया था और आगे से हम इसे बंद करेंगे। तो किसान साथियों आपसे लास्ट के अंदर भी यही विनती करने वाला हूँ कि आप जितनी भी टेफ्लोन से बनी हुई चीज़ें घर के अंदर अगर यूज़ कर रहे हो तो उसे कृपया करके छोड़ दीजिए, कोई फ़ायदा नहीं है। इससे अच्छा कि आप पित्तल, मिट्टी या अन्य कोई अगर चीज़ यूज़ करोगे तो ही आपके लिए वो बेस्ट है। और दूसरी बात, टेफ्लोन का ज़्यादातर मात्रा के अंदर जितनी भी चीज़ें बनी हुई आती है वो चाइना से बनी आती है, क्योंकि चाइना खुद तो ऐसी चीज़ें खाता नहीं। पता है कि जो अच्छी क्वालिटी वाली चीज़ें होती है वो तो चाइना खुद यूज़ करता है, लेकिन जिसको लगे कि जो घटिया क्वालिटी की है वो बाहर निर्यात कर देता है ताकि बाहर उसे पैसा मिल जाता है, लोगों की सेहत का उसे क्या फ़र्क पड़ता है। तो उम्मीद करता हूँ किसान साथियों जानकारी आपको समझ आ चुकी होगी। धन्यवाद।